हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अमृता। दोस्तों, कई बार हम क्लाइमेट चेंज की न्यूज़ देखते हैं ना कि अर्थ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है या ग्लेशियर पे बर्फ मेल्ट हो रही है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में अर्थ का फ्यूचर कैसे रहेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, आज की मूवी है कार्गो, जो 2009 में रिलीज साईफाई मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट इवान एंगलर और राल्फ इटर ने किया है। जर्मन मूवी है। मूवी शुरू होती है फ्यूचर के वक्त में, जहाँ पे साल है 2268, जहाँ पे अर्थ का क्लाइमेट चेंज हुआ है और पूरा एनवायरमेंट रहने के काबिल नहीं है। कहीं पे एसिड रेन हो रहे हैं या फिर पीने का पानी पूरा खराब हो गया है, ऐसा ही कुछ एनवायरमेंट है। और हमारी इस अर्थ की पूरी पॉपुलेशन एक स्पेस स्टेशन में मूव कर दी गई है, जो पृथ्वी के ही ऑर्बिट पे घूम रहा है और काफी ओवर क्राउडेड है। वहीं पे हम लॉरा पोर्टमैन को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है। हम इस स्पेस स्टेशन पे एक एडवर्टाइजमेंट देखते हैं रिया प्लैनेट की। दरअसल ये दूसरी अर्थ रहती है, जहाँ पे कई सारे अमीर लोग ऑलरेडी जाके बस गए थे। लॉरा का भी सपना यही था, क्योंकि लॉरा की बहन और उसकी फैमिली ऑलरेडी रिया प्लैनेट पे मूव हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहां जाने के लिए काफी पैसे लगने वाले थे, जो कि लॉरा के पास नहीं थे। पैसे इकट्ठा करने के लिए वो आज कूपर एंटरप्राइज, जो स्पेस मिशन कंपनी है, उसके कार्गो शिप कैसेंड्रा में क्रू डॉक्टर का जॉब करेगी। और ये जर्नी अगले आने वाले 8 साल की है। इसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिससे ये रिया का वीजा ले सकती है और वहाँ पे मूव होगी। कैसेंड्रा काफी पुराना और भूतिया शिप है, जहाँ पे हम कैप्टन लैक्रोस और लिंडबर्ग को देखते हैं। उसके अलावा योशिडा, जो टेक्नीशियन रहती है, और दो इंजीनियर प्रोकॉफ और वेस्पूकी, और अभी डॉक्टर लॉरा शामिल हुई थी। शिप फुल्ली ऑटोमेटेड है। सफर के दौरान आरी बारी से एक एक मेंबर को 8 महीने के लिए मॉनिटर पर्पस के लिए जगते रहना है, और बाकी के मेंबर्स क्रायोस्लीप में रहेंगे। और तभी कैप्टन लोगों को एक वीडियो दिखाते हैं। कई सालों से स्पेस में या फिर अलग अलग शिप्स में एक टेररिस्ट ग्रुप हमले कर रहा था, इसीलिए हर एक शिप में गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी पर्सन अलॉट किया था। इस शिप में भी सैमुअल डेकर नाम का सिक्योरिटी पर्सन असाइन होता है। इनको कहा गया था कि इस शिप में कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान है और ये सारा सामान मेन कार्गो में रखा गया है, लेकिन उस कार्गो एरिया में जाने से किसी को भी मना था। और इनका फिर सफर शुरू होता है। ऑलमोस्ट 3 साल के बाद लॉरा का समय आता है और वो अवेक होके पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने लगती है। अक्सर वो अपनी बहन एना, जो कि रिया में रह रही थी, उसको वीडियो मैसेज सेंड करती थी। दोस्तों, ये मैसेज रिया तक पहुंचने के लिए कुछ महीने लग जाते थे और उसका रिप्लाई आने के लिए वापस कुछ महीने। दोस्तों, ये पूरा शिप थोड़ा डिप्रेसिंग ही था, इसीलिए सफर के दौरान वो काफी परेशान रहने लगती है। और ऐसे ही एक दिन जब वो मॉनिटर कर रही थी, तब उसे अचानक से कार्गो में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है। जहाँ पे वो कार्गो की मेन जगह रहती है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो वहाँ पे जाती है। और दोस्तों, उसे अचानक से कोई दरवाजे पे ही अंदर से डरावनी चीज दिखाई देती है। वो जाके इस चीज को रिपोर्ट ही करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे डेकर आ जाता है। वो अपने क्रायोस्लीप से उठ गया था। अब प्रोटोकॉल के अनुसार लॉरा कैप्टन को जगाती है और फिर वो लोग इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं। इस एरिया में काफी ठंड रहती है। कार्गो के जो कंटेनर रहते हैं, वो एरिया काफी बड़ा होता है। इस समय कैप्टन, जो ऊपर के फ्लोर पे थे, वो अचानक से नीचे गिर के गुजर जाते हैं। अब इस हादसे के बाद सारे मेंबर्स को जगाया जाता है और लिंडबर्ग इनकी हेड बनती है, और वो सबको टास्क असाइन करती है। जैसे डेकर को ये सिक्योरिटी थ्रेट चेक करने के लिए कहती है, लॉरा को पोस्टमार्टम करके डेथ का रीजन ढूंढने के लिए कहती है, और जो दो इंजीनियर्स थे, उनको जो मेन डोर रहता है वो फंस गया था, उसे रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। लॉरा फिर बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे उनके ऑप्टिकल नर्व में एक इम्प्लांट दिखता है, जिसे एक्सेस करके उसे पता लगता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए थे और वहाँ पे बायोहैजर्ड लिखा हुआ था, जो कि काफी अजीब था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान ये शिप लेके जा रही है। वहाँ पे थोड़ी देर के बाद डेकर आता है और वो उसे ये चीज बताती है, और वो उसे ये बात अभी के लिए सीक्रेट रखने के लिए कहता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, हमें खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और फिर वे लोग सीक्रेटली कैप्टन लैक्रोस का एक्सेस कार्ड रहता है, वो लेके रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं देखने के लिए। और दोस्तों, वहाँ पे उन्हें कई सारे कूलिंग कंटेनर दिखाई देते हैं, जिनमें इंसानों के शरीर रखे हुए थे। इनमें से लॉरा एक कंटेनर बाहर निकालती है, जिसमे एक छोटी लड़की थी। लोग मिलकर इस कंटेनर को मेन ऑफिस में लाते हैं और कैप्टन को दिखाते हैं। वेल, कैप्टन क्लियरली सरप्राइज होने का नाटक करती है, जिसे डेकर और लॉरा पकड़ लेती है, और वो लॉरा को सीधा कह देती है, इस कंटेनर को वापस जैसा है वैसा रखा जाए, हमें इस शिप में क्या है इसका लेना देना नहीं है, मिशन से हटना नहीं है। दोस्तों, इनको तो अभी ये बात पता चल गई थी कि इन कार्गो में कोई कंस्ट्रक्शन का सामान नहीं है, वहाँ पे लोगों के कंटेनर हैं जिन्हें ये शिप ट्रांसपोर्ट कर रही है। लेकिन लॉरा सीक्रेटली इस लड़की को अपने लैब में लेके आती है, और उसके बाद कैप्टन सीक्रेटली योशिडा को डेकर की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। तो दूसरी जगह लॉरा अपने लैब में उस छोटी सी लड़की को स्कैन करती है और उसे उसके दिमाग में एक चिप दिखाई
दिखाई देती है। लॉरा काफी कंफ्यूज माइंडसेट में थी कि एक जगह था डेकर जिसे कुछ तो पता था लेकिन वो ठीक से बता नहीं रहा था, तो दूसरी जगह पे कैप्टन थी जो इन अजीब चीजों को देख के अनदेखा कर रही थी। इसीलिए वो अपने डिवाइस से बहन को मैसेज डालती है कि ये लाइफ मुझे जरा भी पसंद नहीं आ रही है, आई कांट वेट कि मैं कभी तुम लोगों के साथ रहने आऊं, और मैसेज सेंड करके वो अपना काम करने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों 20 मिनट के अंदर ही उसके बहन का रिस्पांस आ जाता है, लेकिन उसकी एक बात उसके दिमाग में रह जाती है कि यार पहले तो ये मैसेज पहुंचने के लिए महीनों गुजर जाते थे, बट अभी 20 मिनट में कैसे रिप्लाई आया। दोस्तों इसका जवाब हमें मूवी में आगे पता चलता है। वो फिर डेकर के पास जाती है, पूछती कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और स्टेशन 42 क्या है। तो डेकर उसे जवाब देता है कि स्टेशन 42 एक निर्जन जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। दूसरी जगह पे योशिता को पता लगता है कि पिछले 3 से 3.5 सालों के बीच में डेकर कई बार अपने क्रायोस्लीप से उठा था और उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की है, इसीलिए कैप्टन सबको बुला के उसे अरेस्ट करवाती है। जाने के टाइम पे सीक्रेटली वो लॉरा को बताता है कि ये शिप रिया प्लैनेट ही जा रही है और तुम्हें जल्द ही सारी सच्चाई पता चलेगी। हर एक चीज का इतना सारा कंफ्यूजन था, ये शिप कहाँ जा रही है, आखिरकार वो चीज क्या है जो लॉरा ने देखी थी। इसी कंफ्यूजन के चलते हुए लॉरा योशिता को पूछती है कि क्या तुम पता कर सकती हो कि शिप का डेस्टिनेशन क्या है। तो योशिता चेक करने के बाद उसे बताती है कि एक्चुअली इस शिप का डेस्टिनेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रखा गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैप्टन को ही है और हम श्योरली स्टेशन 42 नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी, ये जो भी डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स है ये सफर तय करने के पहले ही डाले जाते हैं, सफर के दौरान हम चाहे तो भी डेस्टिनेशन बदल नहीं सकते। यानी यहाँ पे दोनों भी जो कैप्टन थे, जो पहला गुजर गया और दूसरा ये लेडी, दोनों भी मिले हुए थे और कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, लोगों से डेस्टिनेशन छुपाया जा रहा था और ये शिप क्या कैरी कर रही है ये भी किसी को पता नहीं था। आगे योशिता सिस्टम को हैक करके डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए जाती है। सिस्टम को हैक करते वक्त दोस्तों अचानक से उसे किसी आने की आहट होती है। जब वो मुड़के देखती है तब उस पर दोस्तों अचानक से हमला होता है और वो उधर ही गुजर जाती है। इसके बाद क्रू के मेंबर आगाह होते हैं और पहले तो वो डेकर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन डेकर ऑलरेडी वहां से भाग गया था। क्रू के सारे मेंबर उसे ढूंढने के लिए जाते हैं अपने अपने पास गन लेके, और तभी लॉरा को एक से नीचे के फ्लोर पे एक सीक्रेट स्टोर रूम मिलता है। ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई तो इंसान रह रहा है। वो देखने के लिए जाती है और दोस्तों अचानक से पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला था, तभी एक अनजान आदमी वहाँ पे आता है और उस आदमी को मार डालता है। ये अनजान आदमी कौन था जो लॉरा की जान बचाता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान लॉरा को इस स्टोरेज रूम में एक डिवाइस मिलता है जिसपे कई सारे फोटोज थे और फोटोज से उन्हें पता लगता है कि ये मरने वाला आदमी वही टेररिस्ट ग्रुप है, उसका लीडर जॉर्ज है जो हर एक स्पेस स्टेशन या शिप में हमला कर रहा था। उसे एक वीडियो क्लिप दिखती है उसी डिवाइस पे जिसमें जॉर्ज कह रहा था कि का कुछ हिस्सा अभी हैबिटेबल हो गया है जिसमें हम लोग रह सकते हैं, हम ग्रीन हाउसेस के मदद से सब्जियां उगा रहे हैं, पानी क्लीन करके उसे हम पी रहे हैं, लेकिन अर्थ धीरे धीरे हैबिटेबल प्लैनेट वापस बन रहा है, लोग वापस यहाँ पे आके रह सकते हैं। और इसी वीडियो क्लिप में उसे जॉर्ज के साथ डेकर भी दिखाई देता है, यानी डेकर उसके साथ मिला हुआ था। यहाँ पे डेकर पकड़ा जाता है और उससे टेररिस्ट लीडर जॉर्ज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है और दोस्तों इधर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। जॉर्ज दरअसल टेररिस्ट नहीं था, वो अपने अटैक के जरिए लोगों का ध्यान अपने पास खींचना चाहता था और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारी अर्थ वापस एक हैबिटेबल प्लैनेट बन गई है जहाँ पे ये सारे लोग वापस रहने के लिए जा सकते हैं और खेती करके सारी चीजें सही हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट और बाकी स्पेस एजेंसी ये नहीं चाहती थी कि लोग वापस अर्थ पे जाए, क्योंकि फिर लोग रिया इस प्लैनेट पे नहीं जाएंगे, वो वापस पृथ्वी पे बसने चले जाएंगे, जिससे गवर्नमेंट और इन बाकी एजेंसीज को ढेरों पैसा नहीं मिल पाएगा। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्लॉट यहाँ पे दोस्तों रिवील करता है कि रिया नाम का प्लैनेट जो है वो हैबिटेबल प्लैनेट ही नहीं है, जो लोग भी वहाँ पे गए हैं वो दरअसल एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। जो इस शिप के कार्गो में इनफैक्ट लोग हैं उन्हें भी इसी वर्चुअल रियलिटी में भेजा जा रहा है। रिया प्लैनेट के पास ही स्टेशन 42 नाम का वर्चुअल रियलिटी का सिस्टम है और इसी से सारे कंटेनर कनेक्ट होते हैं और जितने भी लोगों को रिया प्लैनेट के नाम पे भेजा जाता है वो दरअसल
पल इस वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं। ये सफर तय करने से पहले लोगों के दिमाग में एक न्यूरल इम्प्लांट डाला जाता है, जैसे उस लड़की के दिमाग में डाला था, ताकि इस फेक रियलिटी को उनका दिमाग सच समझ बैठे। यानी दोस्तों, जैसे मैट्रिक्स में बताया गया था कि सारे लोग एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं, एक सिस्टम है, वैसे ही लोगों को गुमराह करके एक प्लैनेट के नाम पे उन्हें एक वर्चुअल रियलिटी में डाला जा रहा था, जहाँ पे उनका दिमाग उनके सपने को सच समझ बैठता है। और वो आगे बताता है कि यही बात जॉर्ज को भी पता चल गई थी, इसीलिए वो कई बार शिप द्वारा ट्रैवल करता था ताकि गवर्नमेंट की इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके, लेकिन वो कभी भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया और गवर्नमेंट ने उसे टेररिस्ट ऐलान कर दिया। इस शिप में भी वो उसी कारण से आया था कि उसे कुछ प्रूफ मिल सके, लेकिन इतने साल अकेले रहने के कारण वो धीरे धीरे क्रेजी होता गया और उसी ने कैप्टन को मार डाला, लेकिन उसने योशिडा को नहीं मारा है। मैंने जब स्टोर रूम में देखा कि वो लॉरा को मार रहा है, तब मैंने लॉरा की जान बचाने के लिए उसे मार डाला। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिसे लॉरा ने देखा था वो भयानक सा साया, वो भी यही था, लेकिन उसके इस बात को कैप्टन झूठ कहती है एंड वो दो इंजीनियर द्वारा उसे वापस अरेस्ट करवाती है और क्रायोस्लीप में डालती है। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई सुनने के बाद लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यानी इतने सालों से जो वो अपने बहन के साथ कम्युनिकेट कर रही थी, कन्वर्सेशन कर रही थी, वो सब कुछ झूठ था, वो अभी भी क्रायोस्लीप में है। ये जानने के बाद उसे काफी रोना आता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ एक कैप्टन थी जो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए उसे उस पे शक आने लगता है और लॉरा उसे बंदूक के नोक पे पकड़ती है। और दोस्तों, तभी दूसरा प्लॉट रिवील होता है। कैप्टन उसे सारी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि रिया प्लैनेट पे गवर्नमेंट एंड स्पेस एजेंसी ने कॉलोनी बनाने का सोचा था, लेकिन वो मिशन कम्प्लीट फेलियर हुआ। वहाँ उस प्लैनेट पे कोई भी रह नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों से काफी पैसे लिए थे, इसलिए लोगों को वापस लाने के बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो सारे लोगों को स्लीप में ही रहने देंगे। इनके दिमाग में न्यूरल चिप भी डाली जाएगी, जिससे इन्हें लगेगा कि वो रिया प्लैनेट पे ही है। फिर उन्हें स्टेशन 42 में लाया जाता है, जहाँ पे वर्चुअल रियलिटी का प्रोग्राम है, और उनके कंटेनर को सिस्टम से जोड़ देते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उन्होंने रिया प्लैनेट पे लैंड किया है और उनका एक अच्छा खासा घर है, सुंदर सा माहौल है। गवर्नमेंट के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्हें झूठ मेंटेन करना पड़ा, ताकि जो भी मेन स्पेस स्टेशन पे जो लोग हैं उन्हें एक आशा बनी रहे कि एक प्लैनेट है जहाँ पे वो भी जा सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी में जो भी लोग हैं वो मैसेज सेंड या रिसीव कर सकते हैं, उसके लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी बनाया गया है। ये सुनने के बाद तो दोस्तों लॉरा भड़क जाती है कि ये सब कुछ झूठ था, और उसे रियलाइज होता है कि जो मैसेज पहले महीने लग जाते थे सेंड होने के लिए, वो अभी सिर्फ 20 मिनट में रिसीव हुआ, क्योंकि ये शिप स्टेशन 42 के नजदीक पहुंचने वाला है, इसीलिए ये सिग्नल काफी जल्दी ट्रांसमिट हुआ और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत ही जल्दी आया। दूसरी जगह पे जो दो इंजीनियर थे जो डेकर को लेके जा रहे थे, वो उससे इस वर्चुअल रियलिटी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी वर्चुअल रियलिटी में जाना था। सच्चाई जानने के बाद तो ये दोनों इंजीनियर फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी वर्चुअल रियलिटी में ही बिताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्गो के जॉब से वो परेशान हुए थे, एटलीस्ट वर्चुअल रियलिटी में उन्हें एक अच्छी लाइफ तो वो जी सकते हैं। इसीलिए वो अपना एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं कि कार्गो में कोई भी दो लोगों को निकालेंगे और उनके पॉड में वो खुद को रिप्लेस करेंगे और इस इमेजिनरी वर्ल्ड का हिस्सा बनेंगे। इसीलिए वो वापस आके कैप्टन को पकड़वाते हैं और क्रायो स्लीप में डालते हैं और डेकर को भी रिलीज करते हैं। डेकर आके लॉरा से मिलता है और उसे पहले तो माफी मांगता है इतने सारे झूठ के लिए। लॉरा उसे कहती है कि स्टेशन 42 पे जाने के बाद मुझे मेरे बहन के कंटेनर को निकालना है और वापस उसे अर्थ पे लेके जाना है, जिसके लिए डेकर राजी होता है और वे लोग एक प्लान बनाते हैं कि वहां जाने के बाद लॉरा जो है वो अपने बहन के कंटेनर को ढूंढेगी एंड वो शिप में लेके आएगी, और डेकर जो वहां का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। जो लोग अभी वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं उन्हें बेचारों को वैसे ही रखा जाएगा, उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम ना होने की वजह से कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव नहीं कर पाएगा और गवर्नमेंट की ये सच्चाई लोगों के सामने आएगी। और एज प्लान ये लोग वेट करते हैं इस शिप को स्टेशन 42 पे जाने तक। कुछ दिन के बाद ये शिप फुल्ली ऑटोमेटिक स्टेशन 42 पे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे दोनों भी स्पेस सूट पहनते हैं, इनके पास एग्जैक्टली 27 मिनट रहते हैं, तब तक ये पूरा शिप जिन लोगों को लाया है वो अनलोड करेगी, इस सिस्टम से कनेक्ट करेगी और वापस 27 मिनट के बाद पृथ्वी के लिए लौट जाएगी। लॉरा और डेकर दोनों भी स्पेस सूट पहनते हैं और अपने मिशन के लिए निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जो छोटी बच्ची रहती है जो लॉरा के लैब में थी वो स्लीप वॉक करके वहाँ पे आ जाती है। तो लॉरा अपना मिशन रोक के उस लड़की को कोट में रैप करके अपने जगह पे रख के आती है। तब तक डेकर निकल जाता है अपना काम करने के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद वो कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लोजिव अटैच करता है एक टाइमर लगा के। वहाँ से फिर वो स्टेशन 42 के मेन सर्वर पे जाता है और वहाँ से उसके बहन का कंटेनर लोकेट करता है। वो उस लोकेशन पे चला जाता है और कंटेनर को निकालता है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली उसका शरीर पूरा डीकम्पोज
डिकम्पोज होने लगा था। शायद काफी समय से वैसे स्थिति में रहने के वजह से उसका शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा था। इसी के कारण उसको निकालने पर भी कोई फायदा नहीं था, शायद वो जिंदा भी नहीं बचती। सबसे बेटर ऑप्शन यही था कि वो जैसे वर्चुअल रियलिटी में जी रही है वैसे ही जिए, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। एक बार उसका शरीर पूरी तरीके से काम करना बंद हो जाए वो वर्चुअल रियलिटी में भी गुजर जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो दो इंजीनियर रहते हैं वो मेन कार्गो में जाने के लिए कैप्टन लिनबर्ग का एक्सेस कार्ड लेते हैं, लेकिन ये एक्सेस कार्ड लेते वक्त उसके कंटेनर को पूरा इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे लिनबर्ग को क्रायोस्लीप से उठाने के सिग्नल मिलते हैं। इसी दौरान ये लोग शिप का जो वेटिंग टाइम रहता है उसको भी 27 मिनट से 10 मिनट तक रिड्यूस कर देते हैं, ताकि लॉरा और डेकर को पता ना लगे कि ये लोग भी वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं। यहाँ पे लॉरा लड़की को रैप करती है और वो भी अपना स्पेस सूट पहन के बाहर निकल जाती है स्पेस में। वहाँ पे पहुँचने के बाद डेकर उसे उसके बहन की सच्चाई बताता है कि उसका शरीर बियॉन्ड रिपेयर है। फिर वो लॉरा को खुद वर्चुअल रियलिटी में जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने बहन से आखिरी बार मिले। लॉरा अग्री करती है। उसके बाद फिर डेरेक उसके बहन जिस वर्चुअल रियलिटी में है उसके आईडी को ढूंढ के लॉरा को भी उसी रियलिटी में भेजने का प्रोग्राम अपडेट करता है। सब कुछ कनेक्ट हो जाता है और लॉरा कुछ ही सेकंड में उस वर्चुअल रियलिटी में पहुंच जाती है। जब वो वहां पे पहुंचती है दोस्तों तब वहां पे पतझड़ का मौसम था। हर जगह खूबसूरत लाल रंग के पत्ते गिरे हुए थे, काफी सुंदर नजारा था। इन सारे पेड़ पौधों को वो टच करती है और उसे लगता है कि ये कितने रियल है, ये सब कुछ सच ही लग रहा है। सामने उसे उसके बहन का घर मिलता है। वो वहां पे दौड़ते हुए जाती है और वहीं पे उसकी बहन रहती है जिसे वो अपने गले से लगाती है और उसे देख के काफी रोने लगती है, लेकिन उसके पास ज्यादा समय नहीं था। बहन को वो फिर वापस गुड बाय कहती है एंड वहां से निकल जाती है। और निकलने के वक्त दोस्तों वो डिवाइस लेती है जिसके थ्रू उसकी बहन कम्युनिकेट करती थी, और वो मेन स्टेशन जो सेंट्रलाइज पृथ्वी के ऑर्बिट पे स्टेशन था वहां पे एक मैसेज सेंड करती है और गवर्नमेंट का पर्दा फाश करती है। ये सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, गवर्नमेंट हम सबको फंसा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट बन रहा है जिसपे हम सारे लोग वापस जा सकते हैं। ये उसका आखिरी मैसेज रहता है जो वो सेंड करती है। यहाँ पे बाहर लॉरा का फ्यूल खत्म हो रहा था, इसीलिए डेकर अपना फ्यूल टैंक निकाल के लॉरा के स्पेस सूट में डालता है और थोड़ी देर के बाद उसे रियलिटी से बाहर निकालता है। अब यहाँ पे दोस्तों काफी कम समय बचा था उनके पास, दूसरी जगह पे शिप ऑलरेडी शुरू हो गई थी। और फिर वो लॉरा को बताता है कि आगे का जो भी मिशन है वो तुम्हें अकेले ही करना होगा, क्योंकि मैंने अपना फ्यूल टैंक तुम्हारे स्पेस सूट में डाला है। तुम्हें उस लड़की को बचाना है क्योंकि वही एक प्रूफ है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि गवर्नमेंट झूठी है। लॉरा ये सब कुछ सुन के काफी रोने लगती है कि डेकर अभी उसके साथ नहीं आएगा और वो तैयार नहीं होती उसे अकेले वहीं पे छोड़ने के लिए। लेकिन तभी दोस्तों इंजन का इग्निशन इतने जोरों से आता है कि ये दोनों भी स्पेस में ड्रिफ्ट होने लगते हैं और उसी चक्कर में डेकर का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है। लॉरा रोते हुए वापस शिप में कैसे तैसे आ जाती है और बेचारा डेकर वहीं पे अपना सैक्रिफाइस देके इन दो लड़कियों को बचाता है। यहाँ पे लिनबर्ग को सिग्नल मिलने के कारण वो डीप स्लीप से उठ जाती है और जैसे ही उसे लॉरा दिखती है वापस आई हुई उसके ऊपर वो हमला करती है, लेकिन लॉरा काफी स्मार्टली उसे डीप स्पेस में ड्रिफ्ट कर देती है। उसके बाद उसे वो छोटी बच्ची मिलती है उनके मेन कंपार्टमेंट में और ये शिप वापस अर्थ पे जाने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं स्टेशन पे लोगों को वो मैसेज मिला है लॉरा ने भेजा था और सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि अभी तक जिस चीज को वो लोग सच मान रहे थे वो दरअसल झूठ है। और धीरे धीरे रिवोल्यूशन शुरू होने लगते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और दोस्तों मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों मुझे ये मूवी अच्छी लगी क्योंकि स्पेस मूवी में ना कई बार हम देखते हैं कि जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन लेते हैं कि इतने सारे लोगों को बचाएंगे और वापस अर्थ पे उन्हें लेके जाएंगे, बट यहाँ पे डिसीजन थोड़ा लॉजिकल लगा कि भाई जो लोग वर्चुअल रियलिटी में है उन्हें वैसे ही वहीं पे रखा जाए, जो भी जैसे भी टाइम बचा है वो अपना अच्छा बिताए। ये दरअसल स्विस प्रोडक्शन की पहली साईफाई मूवी थी और कंसिडरिंग दैट काफी अच्छे से इस मूवी को बताया है। पहला एक घंटा काफी स्लो लगेगा और शायद इसी के कारण मूवी को 6.4 की रेटिंग है और ऑलमोस्ट 4 मिलियन यूएसडी के बजट में ये मूवी बनाई गई थी और अनफॉर्चुनेटली हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। वेल दोस्तों आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।